हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एट स्टडी विद रिचा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का टॉपिक है बीएड का, और इसको एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और अपने लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंगली उसको लिख पाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर और जरूर कर लीजिएगा। द फर्स्ट इज लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन। अब लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, उसके लिए पहले आपको लेक्सिकल वर्ड्स समझने होंगे। लेक्सिकल वर्ड्स कौन से होते हैं? लेक्सिकल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रेड एंड लाइट। रेड का अपना मीनिंग है डिक्शनरी में, दैट इज कलर, एंड लाइट का भी अपना मीनिंग है डिक्शनरी में। लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, रेड लाइट स्टिल दे डज द मीनिंग, ये फिर भी एक मीनिंग बताते हैं। तो वो वर्ड्स जो कि अलग अलग से यूज करें तब भी एक मीनिंगफुल वर्ड हो, और उनको अलग कर दिया जाए तब भी एक मीनिंगफुल वर्ड हो। अब लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन क्या होते हैं? लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड की वोकैबुलरी इन द टेक्स्ट। आपको जो कॉम्प्रिहेंशन दिया है उसके अंदर आपको की वोकैबुलरी ढूंढना होगा टेक्स्ट में, ठीक है। अब जैसे कि हम इसके एक एग्जांपल ले सकते हैं, इन द स्टोरी सिंड्रेला व्हाट वर्ड्स आर मोस्ट लाइक इंजेंटेड। इंजेंटेड वर्ड के सबसे ज्यादा लाइकली वर्ड कौन से होंगे? मैजिकल और फनी। अब मैजिकल फनी अगर इनको कंबाइन कर देंगे तो भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा, और अगर सेपरेट कर देंगे तो भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा, राइट। सो द लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड की वोकैबुलरी इन द टेक्स्ट। नेक्स्ट इज लिटरल कॉम्प्रिहेंशन। अब लिटरल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि आप आंसर दे पाओ हु, व्हाट, व्हेन और वेयर क्वेश्चंस का, कहां, क्या, कब, कैसे, कौन, इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ। अब इन क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको प्रॉपरली पूरे कॉम्प्रिहेंशन को स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप उनका आंसर दे पाओगे। सो दीज आर कॉल्ड द लिटरल कॉम्प्रिहेंशन। For this you have to go through the whole passage. For example, who came in house. Next is interactive comprehension. Interpretive comprehension. अब interpretive comprehension क्या होती है? It is to understand the fact that are not explicitly stated in the story. इसका क्या मतलब है कि आपको story में specifically, explicitly नहीं बताया जाएगा कि आपको इसका answer क्या करना है, but you have to give answer after reading the whole paragraph. It means to answer what if, why and how questions. कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब इन questions का answer करने के लिए आपको पूरा comprehension, पूरा paragraph अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से answer कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल है हाउ डिड पम्पकिन टर्न इनटू कैरिज। अब इसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा कि कहां से लिखना आप स्टार्ट करोगे और कहां तक आपका आंसर करेक्टली बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रेटिव कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट इज कॉल्ड द अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन। इन दिस लेवल वी आर एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड अप्लाइंग टू द अदर इन्फॉर्मेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है उसको एनालाइज करके दूसरी इन्फॉर्मेशन में अप्लाई करते हो। एक जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप उसको समझते हो, एनालाइज करते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है, और उसको किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करके करते हो या अप्लाई करते हो। अब इसके एग्जांपल है डू यू थिंक मोहन वॉज रॉन्ग फॉर ईटिंग आइसक्रीम आफ्टर हिज मदर टोल्ड हिम ही कुड नॉट ईट। कि मोहन ने, आपको क्या लगता है कि मोहन गलत था उससे आइसक्रीम खाने के लिए, कि उसको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी क्योंकि उसकी मम्मा ने मना किया था। तो यहाँ पे उसने दो बातों को कनेक्ट कर दिया। आपके पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि उसको आइसक्रीम खानी चाहिए थी या नहीं, बट उसने उसको कनेक्ट कर दिया दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ कि उसकी मदर ने उसको मना किया था। सो दिस इज कॉल्ड अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन। इन दैट यू आर एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन एंड अप्लाइंग टू द अदर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज अफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन। अफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द टेक्स्ट और द लाइन। इट मीन्स कि आपको जो भी टेक्स्ट दिया है या लाइन दी है, आप उसका सोशल एस्पेक्ट भी देखते हो और इमोशनल एस्पेक्ट भी देखते हो कि उसको सोशली कैसे समझा जाएगा और इमोशनली उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू व्हेन यू आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू कैन नॉट डू समथिंग फन। कि तुम्हें क्या लगता है कि when you are disappointed, कि जब तुम उदास हो इसका कारण ये है कि तुम खेल नहीं सकते।
मतलब इसमें उसका सोशल भी हो गया और इमोशनल एस्पेक्ट भी आ गया, तो दोनों एस्पेक्ट्स को कंसीडर करता है, दैट इज कॉल्ड द अफेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन। तो ये थे हमारे लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल रिस्पॉन्ड यू इमीडिएटली। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।